नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे इस YouTube चैनल पर आज फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि स्त्री का कौन सा वह अंग है जिसके सही मुहूर्त, सही समय पर, सही विधि द्वारा छूने मात्र से व्यक्ति धनवान बनता है। व्यक्ति को अचानक अपार धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे, यानी कि गरीबी उसे व्यक्ति के जीवन दूर चली जाएगी और जीवन में सुख समृद्धि और अमीरी आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले हे लक्ष्मी माँ, आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। उसके घर में कभी भी धन की कमी ना हो और उसका घर सदैव हंसता मुस्कुराता और कुशल मंगल रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। एक घने जंगल में महान साधु रहते थे। उनके पास तमाम लोग उनके पास जीवन के बारे में कुछ नई और महत्वपूर्ण बात सीखने आते थे, क्योंकि उन साधु बाबा को वरदान था कि वह किसी भी गरीब को अमीर बना देते थे। मतलब रंग को भी राजा बनाने की शक्ति उनके अंदर थी। एक दिन की बात है, उनके पास गरीब और निर्धन व्यक्ति अपने जीवन में अमीरी की चाह रखते हुए इस बात को जानने के लिए साधु बाबा के पास गया कि वह किस प्रकार से एक बहुत बड़ा धनवान और महान व्यक्ति बन सकता है। साधु बाबा ने उसकी पूरी बात सुनी और उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तुमको एक रामू नाम के किसान की कहानी बताने जा रहा हूं, जिससे तुम यह अच्छी तरह से जान सकोगे कि तुम किस प्रकार से अमीरी और सुख शांति अपने जीवन में ला सकोगे। उन्होंने कहानी सुनना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। उसके घर के बाहर ही उसका एक छोटा सा खेत था। उसका पूरा परिवार उसके साथ खेत में काम करने में मदद किया करता था। रामू के बच्चे सब्जियों को पानी दे दिया करते थे। इस बार रामू के खेत की फसल बहुत अच्छी थी। वह अपनी पत्नी से कहता है कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी है और अगर सब कुछ सही रहा तो इस बार फसल बेचकर अपना पक्का घर भी बनवा लेंगे। इतना कहने के बाद वह अपनी पत्नी सरला से कहता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ सब्जियों और फल को बेचने के लिए, तुम खेत में कीटनाशक दवाइयां छिड़क देना। इतना कहने के बाद वह बाजार चला जाता है और इधर उसकी पत्नी और बच्चे खेत का सारा काम खत्म कर देते हैं। जब रामू बाजार से वापस आता है तो वह बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हमारी सब्जियां उच्च गुणवत्ता वाली हैं, हमें इस बार बाजार में बहुत अच्छे दाम मिलेंगे, बाजार में जल्दी से सब्जियां तोड़कर बेचनी होगी। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, हम कल ही सारी सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचने के लिए तैयार कर देंगे। इतना कहने के बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी सो जाते हैं। लेकिन रात में अचानक बारिश होने लगती है। बारिश होने की वजह से रामू बहुत दुखी होता है और वह अपनी पत्नी को उठाता है और कहता है, सरला, ये देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। सरला भी बहुत दुखी हो जाती है और वह कहती है, हे भगवान, हमारी फसल का क्या होगा। दोनों पति पत्नी भगवान से बारिश बंद होने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहां तक कि कुछ देर बाद ओले भी पड़ने लगे, पूरे खेत में बारिश का पानी भर गया। इससे वह दोनों बहुत परेशान थे। रामू ने कहा, सरला, बारिश का पानी बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे यह पानी हमारे घर में भरने लगेगा और हवा की वजह से हमारे घर का छप्पर भी टूटने लगा है। दोनों बहुत परेशान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी परेशानी में उन्हें क्या करना चाहिए। सरला ने अपने दोनों बच्चों को उठाया और अपने पति के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का फैसला किया। जब वह अपने घर से निकले तो देखा कि पहले ही बारिश के पानी की वजह से कई घर टूट चुके थे। पूरे गांव में पानी भर चुका था और गांव के अन्य लोग भी अपना सामान स्तर पर रखकर गांव से निकल रहे थे। पूरा गांव दुखी था। सभी एक दूसरे की मदद कर रहे थे। सभी गांव वाले गांव के बाहर के पुल के ऊपर आकर रुक गए। कुछ समय बाद बारिश रुक गई और अगले दिन सुबह सरकारी लोग गांव में फंसे लोगों के लिए खाना लेकर आए। गांव वाले खाने को देखकर कर्मचारियों की ओर दौड़ने लगे। रामू को भी खाने की कुछ पैकेट मिल गए थे। रामू ने खाने के पैकेट को अपने बच्चों को खिला दिया और दोनों पति पत्नी भूखे रहे। अब गांव वालों को कुछ राहत सी महसूस होने लगी। अब उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वह अब अपने गांव के लिए लौट जाएंगे। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद फिर से बारिश होना शुरू हो गया। इस बार बारिश बहुत देर से लगातार बढ़ रही थी। पानी बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से गांव में राहतकर्ता भी खाना लेकर नहीं आए थे। इस बार रामू ने कहा,
कि इस बार हमारे गांव में सरकारी गाड़ियां खाना लेकर नहीं आएगी। मैं खाना लेने के लिए गांव से बाहर जाता हूं। कुछ देर बाद रामू खाना लेकर सरला और बच्चों के पास पहुंचा, लेकिन रामू के शरीर पर बहुत चोट के निशान बने हुए थे। उन्हें देखकर सरला घबराते हुए बोली, यह सब कैसे हुआ? इस पर रामू ने कहा कि पास वाले गांव में सरकार मुफ्त में खाना बांट रही थी, जिसकी वजह से वहां पर बहुत भीड़ थी। मुझे खाना लेते हुए भीड़ में यह चोट लग गई है। इतना सुनकर सरला रोने लगी और कहने लगी, जो हाथ अनाज उगाते थे आज वह खुद अनाज के लिए परेशान है। यह कैसी स्थिति आ चुकी है? रामू ने सरला को समझाया और कहा, तुम घबराओ मत, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद रामू ने अपने बच्चों को खाना दिया, लेकिन बच्चों ने कहा, आप भी इसमें से हमारे साथ खाना खा लीजिए, क्योंकि आप दोनों ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। बच्चों ने सरला और रामू के साथ खाना खाया। यह देखकर सभी को बहुत अच्छा लगा। सभी का हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से परेशान था। इसके बाद धीरे धीरे बारिश कम होने लगी और सभी गांव वाले अपने अपने घर लौटने लगे। जब रामू अपने परिवार के साथ घर पहुंचा तो देखा रामू का पूरा घर टूट चुका था। इस पर सरला बहुत ज्यादा दुखी थी। रामू ने कहा, हम घर फिर से बना लेंगे। सरला ने कहा, और खाने के लिए कहां से लाएंगे? बच्चों ने कहा कि अभी भी कुछ सब्जियों खेत में बची हुई है, हम उनको तोड़कर ले आते हैं। बच्चे सब्जियां तोड़ने में लग जाते हैं। रामू और सरला अपने घर को फिर से बनाने में लग जाते हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति अपने घर की ओर आता हुआ दिखाई देता है। वह बोलता है कि मैं सरकार की तरफ से आया हूं, मुझे यह देखना है कि आपका इस बारिश की आपदा में कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि सरकार आपको आपके नुकसान का पूरा मुआवजा देगी और आपको एक पक्का घर भी बनाकर देगी। ऐसा सुनने के बाद सरला को बहुत अच्छा लगा। रामू और सरला ने अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन उस सरकारी व्यक्ति को दे दी। वह सारी जानकारी लेने के बाद वहां से चला गया। लेकिन एक बार फिर से रामू को यह नहीं पता था कि उसके साथ यह क्या होने जा रहा है। जो सरकारी व्यक्ति सरकारी बनकर आए थे, असल में वह लोग तो ठगी करने वाले थे। लोगों की असली जानकारी को लेकर उनके साथ ठगी कर लेते थे। और ऐसे ही रामू को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि उसकी संपत्ति और घर के साथ क्या होने वाला है। उसके परिवार के जीवन में फिर से एक बार बहुत बड़ा तूफान आ गया। उन ठगों ने रामू की पूरी जमीन जायदाद धोखे से ठग करके लेकर चले गए। अब रामू को उसके ही घर से धक्के मारकर निकाल दिया गया। अब वह अपनी पत्नी सरला और अपने बच्चों के साथ उसी पुल के नीचे गया जहां पर बारिश के समय वह ठहरा हुआ था। पास के गांव में ही एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे, उतना ही वह कंजूस भी था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से वह खूब काम करवाता, मगर पगार कौड़ी भर भी देता ना था। मजबूर गरीब किसान मन मार कर उसके खेत में काम करते थे। रामू ने सोचा, शायद उसे जमींदार से कुछ मदद हो सके। बेचारा चारों तरफ से हारा था। उसे जमींदार के पास पहुंचा। उसने जमींदार से अपनी सारी कहानी बताते हुए कुछ मदद की गुहार लगाई। जमींदार ने कुछ सोचा और उसने उस रामू को थोड़ी सी जमीन काम करने के लिए दे दी। लेकिन जमींदार ने रामू से कहा, तुम्हें इस जमीन की कीमत एक साल के अंदर ही चुकानी पड़ेगी, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। अब बेचारा रामू करता भी क्या? उसने जमींदार से कहा, ठीक है, जैसा आप चाहे, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं एक साल के अंदर ही आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। अब रामू उसी खेती बाड़ी में अपना और अपने परिवार का गुजारा चलता था। रामू बड़ा मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता है और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि अपने परिवार के लिए दो वक्त की रोटी जुटा लेता था। अब उसने कड़ी मेहनत करके जमींदार से किए हुए वादे पर उसने 4 महीने में ही जमीन की सारी कीमत जमींदार को वापस कर दी। गांव के बाकी किसानों के पास रामू के मुकाबले अधिक जमीन थी। वह रामू की मेहनत देखकर हैरान होते थे कि कैसे इतनी सी जमीन से वह इतनी फसल उगा लेता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलिहान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था न थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे, इसलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू के साथ भी यही हुआ और अपने छोटे से खेत में किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उसके सामने भुखमरी की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण वह दोबारा गांव के जमींदार के पास कर्ज मांगने गया। जमींदार कंजूस तो था ही,
उसने सोचा कि शायद उसने रामू को पैसे दिए तो यह लौटा तो पाएगा ही नहीं, इसलिए उसे अपने खेत में काम पर लगा लेता हूं, कम पैसों में दुगनी मेहनत करवाऊंगा, उसने रामू से कहा। देख रामू, मैं तुझे कर्ज तो नहीं दे सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूं कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूंगा, तुझे महीने में 1,000 रुपये दे दिया करूंगा, रामू ने कहा। पर मालिक, दूसरे किसान को तो 2,000 रुपये मिलते हैं, तब जमींदार बोला, करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं है। मजबूर रामू क्या करता है, हां में भरकर घर लौट आया। अगले दिन से जमींदार के खेत में काम करने लगा। मेहनती तो था ही, वह खूब मेहनत और लगन से काम करता है। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। यह देखकर जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो उसने 2 ही महीने में कर दिया, क्यों ना इसे काम से निकाल दूं, इससे मेरे तो 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने रामू को बुलाया और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहा, रामू यह तेरे पैसे कल से काम पर मत आना, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। यह सुनकर रामू परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था, अब अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से ना निकले, लेकिन जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे काम से निकाल दिया। रामू आंखों में आंसू लेकर घर लौट आया। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और उनसे विनती करेगा कि उसे काम पर रख लें। वह जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जब जमींदार अपने घर के बाहर निकाला तो रामू को घर के सामने बैठा हुआ देखा। उसने रामू से पूछा, क्या हुआ रामू, क्यों आया है? रामू जमींदार के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ा, मालिक मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। दोस्तों, आगे की कहानी जानने से पहले हे लक्ष्मी माँ, जो भी हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, उसके घर में कभी भी धन की कमी ना हो और उसका परिवार सदैव हंसता मुस्कुराता और कुशल मंगल रहे। अब जब रामू जमींदार के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। रामू उसे समय तो वहां से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने उसे फिर बुरा भला कहा और कहकर भगा दिया। अब रोज यही क्रम चलने लगा। रामू रोज जमींदार के घर के सामने बैठ जाता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब जमींदार को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गांव चला जाऊं, मुझे घर पर न देखकर रामू यहां आना भी बंद कर देगा। अगले दिन वह परिवार सहित दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर चला गया। इधर रामू भी समझ चुका था कि उसकी मदद अब कोई भी करने वाला नहीं है, उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अब उसने कुछ छोटे किसानों के साथ अपनी जमीन पर काम करना शुरू किया। उसने सूखी लकड़ियां और पेड़ के पत्ते इकट्ठा करके बेचने का काम भी शुरू कर दिया। रामू और उसकी पत्नी दोनों दिन भर मेहनत करके शाम को बड़ी मुश्किल अपने लिए खाना जुटा पाते थे। दोनों सुबह से खेतों में मजदूरी करते सूखी लकड़ियां और पत्ते इकट्ठा करके भेजते, तब कहीं जाकर दोनों का गुजारा हो। पता था फिर भी उसकी पत्नी अपने जीवन से संतुष्ट थी, लेकिन रामू को यह बात हमेशा खलकती थी कि उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का जीवन देखकर बहुत बुरा लगता था। अब वह आराम से जीवन गुजार रहे थे। एक दिन की बात है, अचानक से रामू की माँ, जो कि उसके बड़े भाई श्यामू के घर में रहती थी, वह रामू के घर में आती थी। लेकिन यह बात रामू को बिल्कुल भी नहीं पता थी कि उसकी माँ उसके घर आ रही है। जंगल के रास्ते पैदल पैदल अपने बेटे रामू से मिलने के लिए उसके घर आ रही थी कि रास्ते में चोर मिल जाते हैं। उसके कारण रामू की माँ एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गई। रामू की माँ को बहुत देर तक ढूंढते रहे, लेकिन ढूंढते ढूंढते रात के 9 बज गए, लेकिन रामू की माँ नहीं मिली और वे चले गए। तभी रामू की माँ अपने बेटे रामू के घर लगभग 10 बजे रात को पहुंची, और जैसे ही रामू ने अपनी माँ को देखा, तुरंत ही उसने अपनी माँ के पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया। माँ को घर में बैठाया, खाना खिलाया और मजे से सभी लोग सो गए। लेकिन रात में अचानक जब रामू अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ था, तभी जाने अनजाने में उसने अपनी पत्नी की कुछ अंगों को स्पर्श कर लिया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके जीवन में कल सुबह क्या होने वाला है। रामू सुबह उठकर अपनी माँ का आशीर्वाद लिया
और अपनी पत्नी को प्यार से गाल में हाथ लगाते हुए अपने काम के लिए मतलब लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर चला गया। अचानक रामू की किस्मत पलट गई। जंगल में लकड़ियां लेने गया रामू काफी आगे तक निकल गया। जंगल के बीच में उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा में अंधेरा था। वह जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर गुफा में दाखिल हुआ। जब वह अंदर गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे गुफा के अंदर एक खजाने का पूरा ढेर था। उसने खजाने पर कब्जा कर लिया और गुफा को मिट्टी पत्थर और पेड़ों के पत्तों से ढक दिया और फिर बैलगाड़ी से धीरे धीरे सारा खजाना अपने घर ले आया। पहले तो थोड़ा धन देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन जब रामू रोज गाड़ी भरकर धन लाने लगा तो पत्नी ने उसे रोका, समझाया कि इतना धन इकट्ठा करना ठीक नहीं है, जितने धन में हमारा जीवन आराम से कट जाए उतना ही आप ले आई। लेकिन रामू ने सिर पर धन की धुन सवार थी। उसने नया घर खरीद लिया, नौकर चाकर रख लिया, पूरे खजाने को अपने घर में सुरक्षित करके रख लिया। धीरे धीरे उसके धनवान होने की बात दूर दूर तक फैल गई। कई लोग रिश्तेदारियां निकालकर उसके पास आने लगे, उसे इज्जत देने लगे। वह भी धन के अभियान में उसे बुरी आदतें लग गईं। अपनी अय्याशी में वह पत्नी से भी दूर हो गया। उसकी पत्नी को समझ आ गया कि अब बात हद से बाहर जा चुकी है। वह उसे छोड़कर चली गई। किसान नगर का सेठ हो चुका था। उसे उसके जाने का जरा भी दुख नहीं था। समय बीतता रहा, उसकी अय्याशियां जारी रही थीं। जब वह एक दिन बीमार हुआ तो उसके पास उसे अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए नौकरों पर निर्भर रहना पड़ता था। जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो वह नगर में घूमने निकला, कोई पहचान ना ले, इसलिए उसने थोड़ा भेष बदल लिया। उसने सोचा क्यों ना अपने बारे में लोगों से पूछा जाए कि लोग तो बहुत तारीफ करते ही हैं। उसने एक आदमी से पूछा कि नगर में जो अमीर आदमी रहता है उसके बारे में क्या सोचते हो। उसे आदमी ने कहा, वह तो बेचारा बदकिस्मती आदमी है। किसान ने पूछा, क्यों बदकिस्मत कैसे, उसके पास तो बहुत धन है, राजा की तरह रहता है। वह आदमी बोला, भाई जब वह गरीब था तो उसकी पत्नी उसके साथ रहती थी। वह बहुत समझदार और भोली थी, गरीबी में भी उसका पूरा साथ देती थी, पूरी मेहनत करती थी। लेकिन उसे किसान के पास जब बहुत सारा धन आ गया तो पत्नी भी उसको छोड़कर चली गई। अब ना घर में पत्नी है और ना ही बच्चे हैं। इतना धन आ भी गया तो ना उसका कोई सुख उठाने वाला नहीं है, ना ही उपयोग करने वाला है। उसे तो छोटे छोटे कामों के लिए भी नौकरों के भरोसे रहना पड़ता है। जब पैसा ही नहीं था तो पत्नी थी, लेकिन जब पैसा है तो पत्नी चली गई। ऐसा आदमी तो बदकिस्मत तो ही है। किसान को अपनी गलती समझ में आ गई। वह अपनी पत्नी के घर पहुंचा। उसने माफी मांगकर और सारा धन दान देने का वादा करके उसे अपने घर ले आया। फिर जितना धन उन्हें जीने के लिए जरूरी था उतना रखकर सेठ सब गरीबों को दान कर दिया। तब साधु बाबा ने कहा कि अब मैं तुमको स्त्री के उसे पवित्र अंग के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस अंग को रामू ने रात में जागते वक्त अनजाने में छू लिया और सुबह उसकी किस्मत अचानक से बदल गई। रामू अचानक से रोडपति से करोड़पति बन गया। उसे अचानक अपार धन की प्राप्ति हो गई। साधु ने कहा कि चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि महिला का वह कौन सा अंग है जिसे छूने मात्र से इंसान रोडपति से भी करोड़पति हो जाता है और उसे अपार धन की प्राप्ति होती है, जैसे कि रामू को हुई। साधु ने महिलाओं के संबंध में दो तीन बातें बताएं। साधु बोले, महिलाएं घर की संपत्ति अर्थात लक्ष्मी का रूप होती है। जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, मां लक्ष्मी उसे घर से अपना नाता तोड़ लेती है। शास्त्रों में वर्णित है कि घर की महिला सर्वगुण संपन्न हो तो समस्याओं को उसे घर में स्थान नहीं मिलता। वह मकान में प्रेम तथा जीवत्व का संचार कर उसे घर बनाती है। भाग्यशाली होते हैं ऐसे घर जिन घरों की महिलाओं में कुछ विशेष गुण विद्यमान होते हैं। उसे घर में लक्ष्मी को बुलाने के लिए निमंत्रण नहीं देना होता, बल्कि उसे घर की महिला ही लक्ष्मी का रूप होती है। साधु बोले कि जब रामू की माँ रामू के घर पर आई तो उसने शाम को अपनी माँ के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लेकर सोने को गया, और इसी तरह वह जब सुबह उठा तो भी अपनी माँ के पैर छुए। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो पुरुष अपनी मां के पवित्र पैरों को सुबह शाम छूता है और आशीर्वाद लेता है, उसको कभी भी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि, और आप सभी लोग यह अच्छी तरह से जानते हैं कि मां के पैरों में ही जन्नत होती है, इसलिए मां के पैरों को छूना बहुत ही आवश्यक है। वहीं पर बात करें अपनी पत्नी की,
तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ सदैव हंसता मुस्कुराता रहता है और उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है, उसके साथ हंसी खुशी जीवन बिताता है और अपनी पत्नी को सच्चे दिल से प्रेम करता है और वह सुबह सुबह अपनी पत्नी के दोनों गालों को स्पर्श करता है, तो उसके घर में खुशहाली और अपार धन की प्राप्ति होती है। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि स्त्री लक्ष्मी का रूप होती है और स्त्री का सदैव सम्मान करना चाहिए, क्योंकि स्त्री चाहे तो किसी भी घर को स्वर्ग बना सकती है और किसी भी स्वर्ग घर को नरक बदल सकती है। दोस्तों, यदि यह वीडियो बनाने में हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कीजिएगा और कमेंट में माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।